हम लोग आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण यानी स्पेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण क्या है और इससे जुड़ा हुआ जितने भी पॉइंट्स हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो देखिए गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक खोखला गोला है, जैसा कि आप पिक में देख रहे होंगे ये एक खोखला गोला है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे कि बीच से मैंने इसको यहाँ से इसको डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पर दो तरीके के शेप मिल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो है किसी न किसी खोखले गोले का भाग है। अभी जो मैंने गोला बनाया था उसका एक पार्ट ये बना और दूसरा पार्ट ये बना। अब मान लीजिए कि हम दोनों को किस तरीके से कलर कर सकते हैं। चूँकि हमें मिरर बनाना है तो हमें पता है मिरर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक भाग को रजतित करना पड़ेगा। तो दोनों को दो सिचुएशन से रजतित कर सकते हैं। जैसे राइट वाले पिक को देखें तो जो उभरा हुआ भाग है उसको हम लोगों ने कोटेड किया, कलर किया, तो जो धंसा हुआ भाग है वो हमारा बन गया रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। और एक नीचे वाला पिक है जिसमें क्या हुआ कि आंतरिक जो भाग था यानी कि धंसा हुआ जो भाग था उसको मैंने कलर कर दिया तो बना हमारा बाहरी रिफ्लेक्टेड सरफेस। यानी कि जब हम किसी भी खोखले गोले को दो भाग में डिवाइड किए तो हमें दो तरीके के मिरर प्राप्त हुए, एक जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और एक जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो देखिए दो तरीके के हमें गोलीय दर्पण प्राप्त हो गए। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण यानी कि ये, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण यानी कि ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। और इसे हम परिभाषा में किस तरीके से लिखेंगे, देखिए गोलीय दर्पण को कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो हमारा जो दर्पण बना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों गोलीय दर्पण के ही भाग हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या है, ये किससे प्राप्त हुए हैं, किसी खोखले गोले से, ठीक है। तो किसी खोखले गोले का वह भाग, ठीक है, क्या है, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग रजतित हो या रंगा हुआ हो तथा दूसरा भाग परावर्तक हो, तो इसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के मिल गए, दो प्रकार के, एक जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था और एक जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ था। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है यानी कि कन्वेक्स मिरर। तो ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा। अब देखिए दर्पण से रिलेटेड और भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं, सारा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्रुव का। तो देखिए मैंने बनाया एक मिरर जैसे कि ये, देखिए ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट जो है यानी कि ये आपका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो देखिए यह जो दर्पण है जिस भी गोले का बना होगा, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि यह इस गोले का बना होगा, तो जिस गोले का बना था उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की बात कर लें, तीसरा पॉइंट, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं यानी कि ये। अब अगला आता है आपका प्रधान अक्ष, ठीक है। प्रधान अक्ष क्या है, तो देखिए गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी कि ये और वक्रता केंद्र यानी कि ये, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं, इसी को हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है फोकस क्या है, तो देखिए ये जो प्रधान अक्ष है इसके समानांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस भी बिंदु से होकर के क्रॉस करेगी उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस यानी कि फोकल मेन फोकस, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स थे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे,
तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग रजतित हो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक मिल गया उत्तल दर्पण और एक मिल गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाएगा। ध्रुव किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और याद रखिएगा इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, इसीलिए इसे पी से इंडिकेट किया जाता है। वक्रता केंद्र की बात करें तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसीलिए इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल सी हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या की बात कर लें तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूँकि यह रेडियस है इसीलिए इसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। प्रधान या फिर मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ओके, फोकस किसे कहेंगे? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरेगी, कहाँ किसके? प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु को मुख्य फोकस या फिर फोकस कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ कम्प्लीट हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंबों के बारे में कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं, तो अगला वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।